पांडुर्ना में शुक्रवार से चल रहे मोलडोंगरी सोसाइटी के किसानों का धरना आंदोलन आज विधायक नीलेश उईके के उपस्थिति में खत्म हुआ है। कृषि उपज मंडी के गेट के सामने धरने पर बैठे किसानों को एसडीएम मेघा शर्मा ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मैनेजर भारती शाह और प्रबंधक सुरेश रीठे की मौजूदगी में आश्वासन दिया कि 3 माह में सभी किसानों को उनकी राशि खातों में दे दी जाए। इस पर किसान नेता दुर्गेश उईके और विधायक नीलेश उईके ने लिखित देने के लिए कहा। इसके बाद प्रशासन ने प्रबंधक के हस्ते किसानों को लिखित पत्र सौंपा, जिसमें एक मुश्त राशि का 3 माह के भीतर देने और छोटे बकायेदारों को लेन देन आज से ही शुरू किए जाने की बात कही गई है। 11 से इस आंदोलन को शुरू किया था और आंदोलन करते करते आज हमारी 14 तारीख बीत चुकी है। शासन प्रशासन और बैंक का स्टाफ आया हुआ था, उन्होंने बात रखी है कि 3 महीने के अंदर जितने भी गरीब किसान लोग का जो पैसा जमा है वो उनको दिया जाएगा। और हमने भी शासन प्रशासन से ये मांग रखी है कि जितने भी खाता धारक है उन सभी का खाता को आप क्लियर करवा दें। खाता क्लियर करने के बाद में किसके खाते में कितना पैसा जमा है ये आप बता दें, और आपको जितना समय चाहिए आप उतना समय ले, और आप स्वतंत्र है गरीब किसानों का पैसा लौटाने के लिए। तो उन्होंने ये तय किया है कि 3 महीने के अंदर में सभी गरीब किसानों का पैसा लौटाया जाएगा। वीसीएन न्यूज़ के लिए पांडुनाथ से जितेंद्र अटकरे की रिपोर्ट।